आइए इस तरह से अपना शौर्य महाराणा प्रताप और उस चेतक ने दिखाया इस रागनी के माध्यम से, किस तरह से कवि ने चार लाइन लिखी है, आइए किस तरह से कैसे बताया बोला। हाँ, और मुगल और राजपूतों में बेटे शुरू जंग हो गया, और जूझन लगे जवान फिरने का ढंग हो गया, फिरने का ढंग हो गया, मुगल और आइए किस तरह से कैसे बताए भाई गान दमो। जय हो। रण घोष गूंज ज्ञानभ में, रण घोष गूंज ज्ञानभ में, तलवार प्राण हरती थी मुगलों को भारती सेना, बागों की तरह चरती थी राणा की लोहित दृष्टि, बिजली का काम करती थी, वो पड़ गई जिधर बेरी पे प्राण लिए सरती थी, पड़ गई जिधर बेरी पे वो प्राण लिए सरती थी, और प्रीत वरण धरती का रंग अब लाल हो गया, सजना इस तरह से उस रण बहरी के अंदर रण हो रहा है, दोनों सेना आमने सामने, लेकिन थोड़ी सी राजपूत वानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा शौर्य दिखाया कि परास्त करते चले जाते हैं मुगलों को, किस तरह से बताया वाला कैसे। उड़ा चेतक पवन गति से, उड़ा चेतक पवन गति से, किया दबन मुगल जाती को राणा की आंख ढूंढ रही, तुन मान सिंह घाती को राणा पे लक्ष्य चूक गया, उस हया पक्ष हाथी को राणा का लक्ष्य चूक गया, ले दुनिया मान हाथी को राणा का लक्ष्य चूक मान हाथी को, राणा का लक्ष्य चूक गया, ले बुढ़िया मान हाथी को, राणा का लक्ष्य चूक गया, ले भगया मान हाथी को, वही मौत खड़ी मुंह खोले, अरे मौत खड़ी मुंह खोले, छलनी अंग हो गया, छूछल लगे जवान फिले का ढंग हो गया, हो गया। क्या कहने सरोज भाई के आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरे भतीजे हैं सुनील मावी जी ग्राम मिलक से, वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए किस तरह से
तीसरी कली के अंदर क्या बता रहा थोड़ी रजपूत वाहनी रे थोड़ी रजपूत वाहनी सेना सम्राट बड़ी थी फिर भी रजपूती सेना सेरा की तड़े लड़ी थी फिर गया अचानक राणा भारत की पोच घड़ी थी चेतक घायल तीरों ने राणा पे चोट पड़ी थी चेतक घायल तीरों से राणा पे चोट पड़ी थी पर मौत खड़ी मुंह खोले छलनी अंग हो गया झूझन लगे जवान अपने का ढंग हो गया उस जहला ने राणा को देख लिया और सोचने लगा ये मुगल राणा की तरफ दौड़ पड़े राणा एक ले हैं तो प्रेमी साथी भाग दौड़ करके महाराणा प्रताप के ताज को उतार लेता है कहने लगा कि महाराज आप मेरा ताज ओढ़ लीजिए क्योंकि आज रणभेरी के अंदर आप एक ले सिपाही रह गए हमको क्योंकि उस अकबर की सेना बहुत बड़ी थी प्रेमी साथियों इस तरह से झाला अपना शौर्य दिखाता है और किस तरह से वीर गति को प्राप्त हो जाता है क्या बताया कली के अंदर झाला ने देखा राणा रे झाला ने देखा राणा दुश्मन का बनेगा निशाना लिया ताज और झाला ने किया सेनापत का बाणा दुश्मन टूटे झाला पे राणा हो गए रवाना गुरु शरण दास झाला को मिला मौत की गोद ठिकाना ओ गुरु शरण दास झाला को मिला मौत की गोद ठिकाना गुरु शरण दास झाला को मिला मौत की गोद ठिकाना अरे झाला मरिया बच्चा राणा अरे झाला मरिया बच्चा राणा ओ पतंग हो गया झूझन लगे जवान हो गया का ढंग हो गया और मुगल और रजपूतों में